फ्रेंड्स, आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को व्यंजकों को गुणा एवं भाग करना बताएंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, व्यंजक को गुणा करना, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 7x प्लस 5 प्लस 3 वन एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 20 में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया है, फिर 7x प्लस 3 प्लस 4 यानी कि इस तरह से हमारा दे दिया है मान और इसको बोला है कि गुणा कीजिए। तो इसको कैसे गुणा करते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया है 7x, इसमें तीन पद हैं, 7x प्लस 5 प्लस 3 इसमें भी तीन है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 7x का पहले इसके साथ गुणा करेंगे, फिर 7x का इसके साथ गुणा करेंगे, फिर 7x का इसके साथ, नहीं समझ में आया। 7x का पहले इसके साथ वन स्टेप, फिर 7x का पहले इसके साथ टू स्टेप, फिर 7x का पहले फिर इसके साथ, ये हो गया 7x का मैंने पहले इसके बाद साथ तीनों के साथ कर दिया। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह 5 का इसके साथ, फिर 5 का इसके साथ, फिर 5 का इसके साथ, उसी तरह फिर 3 का, फिर 3 का इसके साथ, फिर 3 का इसके साथ, फिर 3 का इसके साथ। ठीक है, गुणा करना बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो समझ लीजिए आप गुणा का चिन्ह है। ठीक है, चाहे गुणा लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे, जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो समझ लीजिए आपस में क्या है, वो गुणा करना है। अब चलिए चलते हैं, ब्रैकेट को खोल लें। तो यहाँ देखिए 7x का मैंने बोला पहले इसके साथ, तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब फिर 7x का आप 3 के साथ करेंगे तो 7 3 21, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 21x, क्लियर हो गया। फिर 7x का 4 के साथ 28, ये हो गया। अब फिर 5 का इसके साथ, तो 7 5 35 एक्स, फिर 15, फिर 20। फिर क्या करेंगे 3 का इसके साथ 21x प्लस 9 और प्लस 12। तो इस तरह से हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 और 3 है, यहाँ पे 3 और 4 है, ये हमारा अचर पद है, तो इसको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो इसको हम सही रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 3 8, और इसको 7x प्लस 4 3 7, इस तरह से भी लिख कर, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। देखिए जो x घाते 2 है, यहाँ पे कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से हम 49x² लिख लेते हैं। अब x वाला पद यहाँ पे जो जो है सब आपस में हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 21x है यहाँ पे 28x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49x, 49x है, तो यहाँ पे हम प्लस क्या करते हैं 49x लिख देते हैं। यहाँ पे 35x है प्लस 21x है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 56x। ठीक है, अब यहाँ पे 15 20 कितना हो जाएगा 35, अब 35 यहाँ पे फिर 9 है, तो यहाँ पे 35 9 9 5 14 44 हो जाएगा, और 44 और फिर 12 कितना हो जाएगा 44 12 56। तो इस तरह से ये होगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे 49x², अब इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो 9 6 15
और 5 और 4 9, 9 रेखा 10, तो यहाँ पे क्या 105 x प्लस 56, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आपस में इसका गुणा हो गया, आ गया समझ में। चलिए चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया x प्लस 3x, ये कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 7x प्लस 2 माइनस 4x, ठीक है ना। इसका क्या कर दिया, कह दिया गुणा करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x है और दूसरे यहाँ पे x है, 7x है, तो इसको सबसे पहले x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं तो 7 का यहाँ पे हो जाएगा 7x², ठीक है। अब फिर x का इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, फिर x का इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा पहले, तो x का क्या हो जाएगा 4x². ध्यान देंगे या इस x के आगे अगर माइनस का चिन्ह है तो दोनों साथ में मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे प्लस 7x, तो यहाँ पे माइनस फिर 7x², आई ना बात समझ में। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी जो चिन्ह है इनका भी आपस में चिन्ह होता जाता है। आगे चलते हैं, फिर प्लस है, फिर प्लस 3x है, फिर प्लस 7, तो यहाँ पे कितना जाएगा 21x², फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसका इसके साथ 2 के साथ, तो यहाँ पे कितना जाएगा 6x, फिर यहाँ पे माइनस, फिर कितना जाएगा 12x², ओके। आगे चलते हैं, अब देखिए अब यहाँ पे दिया है 7x², पहले हमने क्या बोला, पहले आप देखिए जो x स्क्वायर है यहाँ पे जिसके घात 2 है प्लस में, पहले उसको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 21x² है प्लस 7x, कितना हो जाएगा 28x², अब यहाँ पे माइनस 4x², अब यहाँ पे 2x है प्लस 6x है, कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 12x² है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे 28x² माइनस 4x² और माइनस 12x², इसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इसको जब हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16x² प्लस 8x, फिर x² वाले पद को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 6, 14, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है, यहाँ पे 44x² प्लस 8x। तो इस तरह से हमारा व्यंजकों को गुणा करना हमने सीख लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दें, यहाँ पे दे देता है कि मान लीजिए 7x प्लस 2x कोष्टक में 3x प्लस 1, इस तरह का दे दें, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले 7x लिख लेते हैं। अब ध्यान देंगे इस कोष्टक के बाहर क्या है, ओनली 2x है, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 3 6x², फिर प्लस यहाँ पे, यहाँ प्लस 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 प्लस, फिर यहाँ इसका क्या करेंगे 2x का एक में करेंगे तो 2x, तो यहाँ पे x वाले पद को जोड़ लेते हैं तो 7 2 9x प्लस यहाँ पे 6x², तो इस तरह से हमारा गुणा करना हो गया। अब हम सब लोग चलते हैं व्यंजक का को घटाने, ठीक है ना, कि सॉरी व्यंजक का भाग करने। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे दिया गया x² माइनस y² भागे x प्लस y, क्या बोला इसको भाग दीजिए, तो हम लोग जानते हैं जब ये भाग का चिन्ह होता है यानी कि इसके ये बटे में आ जाता है, क्या आ जाता है, हर में आ जाता है, तो यहाँ पे x² माइनस y² ये हो गया इसके बटे में x प्लस y, हम इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि ये जो भाग होता है हमारा ये हर का मान होता है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए x² माइनस y² का इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में x प्लस y, दूसरे कोष्टक में x माइनस y, फिर इसके बट्टे में क्या है x प्लस y, तो यहाँ पे हमारा y y क्या हो जाएगा
एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया एक्स प्लस वाई और दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस तीन, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। और इसके मान लीजिए बटे में दे दिया एक्स प्लस वाई का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया और बोला इसको हल कर दिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकता है, चाहे इसके बटे में लिख कर दे सकता है, चाहे इस तरह से भाग लगाकर इसके बगल में लिख सकता है। तो अगर इस तरह से देगा तो हम इसके बटे में कर इस तरह से लिख देते हैं, और इस तरह से देगा तो हम जानते हैं कि ये भाग और इसके बटे वाला एक ही चीज़ होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो जैसे दे दिया है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई बटे एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस तीन। अब इसके नीचे हम लोग क्या देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये किसका फार्मूला है, ये है इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस वाई कट गया और आंसर क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री, और यहाँ पे क्या रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे दिया एक्स एक्स प्लस दो भागे एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया और कहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, या बोल दिया भाग कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यक्ष है, इसके कोष्टक में है एक्स प्लस टू। तो सबसे पहले हम इसको कोष्टक को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, या ये जो भाग वाला है मान इसको हम हर मिलाएंगे, तो यहाँ पे लिख दे देंगे एक्स प्लस टू बटे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख दिए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का फिर दो में होगा तो यहाँ पर टू एक्स हो जाएगा, फिर इसके बटे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम व्यंजकों का भाग करना सीख गए हैं।